कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले 2 सालों में जिस तरह से अपलिफ्ट हुई है, उसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और हमारे बॉस चाहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें जिसमें मेरे अभी तक 250 करोड़ रुपए लग चुके हैं और अभी तक एक पाई भी नसीब नहीं हुई। लेकिन सर, पिछले 6 महीनों में हमने अपने 6 इंजीनियर्स को वहाँ पे भेजा है और सबके सब वहाँ से भाग के वापस आ गए। ऊपर से हमारे 2 इंजीनियर्स की मौत हो चुकी है। बाकी जो बच के आए हैं उन लोगों में से एक तो पागलखाने में, दूसरा बेचारा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और बॉस, उस साइड में कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। दरअसल वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। एक्चुअली वो बंगलो हॉन्टेड है सर। लास्ट मंथ की 26 तारीख की वो अंधेरी रात जब मैं और रजत बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे और हमें काफी रात हो गई थी, बिजली भी गुल थी, चारों तरफ भूख अंधेरा था। रजत और मुझे मालूम था कि बारून बाजार से फैजाबाद सिटी 15 किलोमीटर दूर है और हम थे कुमारगंज खानदासा के जंगल में जो फैजाबाद सिटी से 45 किलोमीटर दूर था। रजत और मैंने शराब पी रखी थी। अरे यार अंकुश, क्या मौसम है यार। हम भाई शराब के साथ शबाब भी होता तो अरे ये क्या है यार, बच्चे दिखते। अबे कौन है बे? कौन? अरे उसकी खरोच के निशान आज भी मेरे गले पे मौजूद है। ग्रेट, वेरी नाइस स्टोरी। आपको तो आर्किटेक्ट की बजाय कहानीकार होना चाहिए था। मुंबई नगरी में जाकर फिल्म इंडस्ट्री में भूतों वाली फिल्म बनानी चाहिए थी। यहाँ क्या कर रहे हैं सर? सर मुझे मालूम था कि आप मेरी बात पर इनफ। काम करना नहीं चाहते या काम आता नहीं, आज ही आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे इस 250 करोड़ के प्रोजेक्ट की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? आप इस तरह की रूमर फैलाओगे तो मेरा इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी मैं पैसा रिकवर नहीं कर पाऊंगा। और उस बंगलों पर 5-स्टार होटल तो क्या, मैं गेस्ट हाउस भी नहीं बना पाऊंगा। बॉस, कल मैंने कुछ इंजीनियर्स को बुलाया है, काफी जाबाज किस्म के बंदे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए उन्होंने। ग्रेट, ठीक है, मिलते हैं उन लोगों से। हाय एवरीबॉडी। हेलो सर। हाय। हाय। सिट सिट। दिस इज माय बॉस बलविंदर सिंह, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द हेड ऑफ द करंट प्रोजेक्ट। हाय। हाय। सर ये हैं आर्किटेक्ट मिस्टर मिलिंद। हेलो सर। हेलो। और ये हैं इनकी असिस्टेंट सोनिया बजाज। हेलो। हाय। सो स्तुति। यस सर। यस्टरडे यू आर टॉकिंग अबाउट दीस गाइस। हां यस सर। ग्रेट। सो आई थिंक स्तुति ने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। यस सर। इनफैक्ट जिस लोकेशन पे ये हो रहा है वो एक टूरिस्टिक प्लेस है और वहाँ पे एक होटल और गेस्ट हाउस बनाने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। सो मिलिंद, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक गेस्ट हाउस के अलावा एक शानदार 5-स्टार होटल खोलने के बारे में भी सोचा है और इसमें लगभग हमारे 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली सही टीम ना मिलने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट कछुए की चाल चल रहा है, और अगर अगले 3 महीने में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ तो हमारे हाथ से ये डील निकल जाएगी। सर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसी प्रॉब्लम? वहाँ तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, वेल फर्निश्ड एंड क्लीन एंड नीट। क्यों मिस्टर अंकुश? हाँ जगह तो बिल्कुल पाक और साफ सुथरी है। हाँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम हो। ओके सर डोंट वरी, वी विल डू आवर बेस्ट। वी होप सो मिस्टर मिलिन, एंड थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस एंड हैविंग अ गुड डील विद अस। मिस्टर अंकुश जरा वो फाइल तो ला। इस बंगलों को डिमोलिश करने की परमिशन वहां के ओनर लंदन बेस्ड मिस्टर रोबिन से हमें मिल चुकी है। ये लो। ओके सर थैंक यू। ओके थैंक्स। ग्रेट जॉब स्तुति, आपने अच्छा किया। उस बंगलों के बारे में कुछ नहीं बताया कि हमारे 2 एम्प्लॉइज की वहाँ मौत हो चुकी है। सब मुझे पता था, अगर हम उन्हें इस बारे में बताएंगे तो वो वहाँ जाने से इनकार कर देंगे। Anyhow, I hope इस बार हमारा प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट हो। Very good. इस बार गर्मियों की छुट्टी में किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाते हैं। तुम्हारी तमन्ना तो पूरी होती नजर आ रही है। ना जाने हमारी मुरादें कब पूरी होंगी। मिलन वाटर? नो थैंक्स बट। अरे शादी से पहले हनीमून का मौका मिला है, मौके पर चौका मार के रहेंगे। और ये जो टूर पैकेज लगा है ना, सस्ती दारू भूल जाओगे। सही कह रहा भाई। अच्छा जब वो देखो सोच रहे हो मिलन? कुछ नहीं। What about you? कुछ खास नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में। क्या? जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। Thank you.
जो मैंने हुआ सपना ये सच मेरा हुआ लगता है तारका कारवा तू बन गया मेरा हमनवा किस्मत से तू मुझको मिल गया हर ख्वाब पूरा हो गया किस्मत से तू मुझको मिल गया का बोर्ड लगा साहब। सोनिया आगे से दो रास्ते हैं,
ये रास्ता तो बंद है, मैप देखो यार। ओके राजा शाहगंज की हवेली, बारुम बाजार से आगे, मिल्कीपुर, कुमारगंज का जंगल। यहां से राइट लेना। ड्राइवर राइट लेगा। What happened, Milin? वो अरे यहाँ तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा भाई, अपने ही डाले पड़ेंगे पेट्रोल। सोनिया, रास्ते में ऐसा कोई मंदिर या दरगाह है जहाँ तुमने सर झुका के प्रणाम ना किया हो? काम क्या, कितने मंदिर और दरगाह हैं रास्ते में? ओह मिलिंद, तुम ना खिंचाई करने के मामले में भगवान को भी नहीं बख्शते हो, पाप लगेगा। पाप लगे पापी को, तू जैसी पाखंडी को मुझे क्यों लगेगा पाप? उफ, माय गॉड, मतलब कि मैं पाखंडी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ? आई जस्ट डोंट बिलीव दिस मिलिंद। तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं ना, तो क्या? किसने कहा मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है? मुझे भगवान पे विश्वास है मगर अंधविश्वास नहीं है। बट सॉरी, इन योर केस तुम एक नास्तिक ही हो। अश्विन, हम लोग इवनिंग में आ गए थे और अभी नाइट हो गया, देखो 10 बज गए रात के, अभी तक कोई नहीं आया। क्या हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? साहब आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं अभी उसे अस्पताल छोड़ के आ रहा हूँ। चलिए चलिए आइए। ठीक है, ये सामान ले आइए साहब। चलिए, ये भी है।
आप लोग अंदर चलिए, आइए। अब तुम जाओ, हम देख लेंगे। ठीक है जी साहब। फुल बंगलो यार। हाँ। क्या बात है मिलिंद। लुक देयर, चले चलो। मेहमानों के लिए था। वाओ। और हम हैं ना इनके मेहमान। छोड़ो से रखो। और भैया मेहमान नवाजी का फायदा भी तो उठा ले। अब वो अलग बात है कि हर बात पे सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। करेक्ट। रूपाली, तुम्हें नहीं लगता इस फ्रेम में कैद अंग्रेज लेडी कुछ ज्यादा ही घूर कर हमें देख रही है? कहीं फोटो फ्रेम से बाहर आ गई तो क्या? नितिन, तुम हमें डराना चाहते हो? इतने भी फट्टू नहीं है हम, लड़कियां हैं तो क्या हुआ? ये बंगलो कितना पीसफुल, कितना शांत, कितना मिस्टीरियस है। अब भैया जैसा भी है एक हफ्ते के लिए तो हमारा है। और भैया हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। साले तू कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों बरखुरदार, ये राधा तो ठीक है ना? अरे रियान मियां मजाक कर रहा हूँ यार, इतने सीरियस क्यों जाते हो? टेक इट इजी। एक बात बताओ यार, ये गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करने के बारे में क्या इरादा है? हैं हैं तू सारे बड़ा ठरकी है। ओ कम ऑन अश्विन, चलो ना, आई एम सो टायर्ड यू नो, प्लीज। हम्म,
सुनो, क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये आदमी कुछ घटिया किस्म का है? किसकी बात कर रहे हो? अश्विन? हाँ। चलो। आठों पहर तुझे ढूंढे नजर ये इश्क का सिलसिला इश्क का सिलसिला
इश्क का सिलसिला नाइट वर्क कर रहे हो, बीमार पड़ गए तो चाय पी लो। थैंक्स अ लॉट सोनिया। इसमें थैंक्स ही क्या बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है। और तुम अभी सोई नहीं? 12 बजने वाले हैं। गो स्लीप, इट्स माय जॉब, आई विल डू इट। प्लीज चाय तो पी लो, प्लीज। तुम जाके सो जाओ, इट्स माय ड्यूटी, आई विल डू इट। जाओ। ओके।
डिजाइन कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी एक ही रात में। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये भी ठंडी होगी। ज्यादा नहीं पीने लग गए? अरे जहाँ पर सागर जैसी नशीली आंखों वाली हसीना वहाँ पर शराब के नशे का क्या काम। हाय बेबी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं तो जस्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। आखिर तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? यहाँ सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है। और हम यहाँ काम करने के साथ साथ घूमने फिरने भी आए हैं। अगर हम ऐसे सबसे कटे कटे रहेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सब क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उन सब के बारे में क्या सोचती हो इस बात का असर मुझ पे पड़ता है दीक्षा। मैं यहाँ उन लोगों की तरह अय्याशी करने नहीं आया, तो तुम्हारी बात थी नहीं तो। आई नो बेबी कि हम यहाँ काम के मकसद से आए हैं एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क, लेकिन मैं तुम्हें खुश दिखना चाहती हूँ, खुश खुश और बहुत खुश।
था वो। अंधेरा क्यों है? अरे रियान मियां, जरा लाइट तो जलाइए। हाँ यार देखता हूँ। अरे वाह, डेकोरेशन भी की हुई है। हाँ यार, गुब्बारे शुब्बारे भी लगाए यार। चक्कर क्या है? फ्रेंड्स, पता है डेकोरेशन क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि आज रियान का बर्थडे है। भाई कितने साल का हो गया? यार आज मैं पूरे 19 साल का हो गया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा तू आज ही पैदा हुआ है। तो मेरे किसी बात पे भरोसा ही नहीं। सही बोला। 35 का दिखता हूँ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। 35 साल का दिखता हूँ। 35 साल के। 35? हाँ। ओह गॉड, फूंक मार ले। ये 35 का है पर मैं 22। ओह, तुम तो 20 की होगी। ये रहा। भाई बियर? ये तो ठीक है।
बियर शियर कहाँ है? सही कह रहा है भाई। बियर कहाँ? अरे बियर। अरे क्या बात है? ये तो रही। चलो चलो पेक्शेक मारते हैं। This is for our friend Rehan. Rehan. Cheers. Yay! हार्टबीट बजने लगी मस्ती सर चढ़ने लगी हाँ हार्टबीट बजने लगी मस्ती सर चढ़ने लगी दिन आज का है पी शाके मुड़ बड़ा के पैपी पैपी हो दिन आज का है पी शाके हो मुड़ बड़ा के पैपी पैपी नचांगे सारे होर नचावांगे नचांगे सारे होर नचावांगे Let's go.
ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਨਚਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਨਚਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਵਾਂ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਭੜਵੇ ਸਾਲੇ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਤੋ ਯੂ ਗੋ ਆਈ ਸੈਡ ਯੂ ਗੋ ਗੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੋ ਸੁਣੋ ਗੋ ਹੇ ਬਲੂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕਮ ਔਨ ਯਾਰ ਲੈਟਸ ਡਾਂਸ If you don't mind, Ashwin, please. Ashwin, Ashwin, Rehan, कहाँ? मुझे क्या पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है खुद ढूंढो रेहान 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 नचांगे सारे होर नचावांगे एवरी मोमेंट जश्न मनावांगे हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रे हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रे
क्या पता? अश्विन, 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 प्लीज देखो, मजाक मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है अंधेरे में। तुम कहाँ हो? अश्विन, अश्विन कहाँ हो तुम? नितिन, ऊपर कुछ है। डॉली, डॉली क्या हुआ? दीक्षा, दीक्षा कहाँ पे? वो दीक्षा नहीं थी, दीक्षा भी मर गई। रियान को भी मार दिया। क्या बोल रहे हो? गाइस, गाइस, प्लीज, प्लीज, यहाँ जरूर कुछ है। चलो, प्लीज, निकलो यहाँ से। हमें यहाँ जल्दी निकलो। चलो, चलो, चलो जल्दी चलो। बोला, हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें जाना है, हमारा इंतजाम करो जाने का। वो हमें बस बेकार ही है। डॉली,
नहीं डॉली नहीं, 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 बच्चे, बच्चे, मैं लेकर आती हूँ, तुम नहीं। डॉली, नहीं, डॉली रुको, डॉली नहीं, नहीं डॉली रुको, डॉली, मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, डॉली, नहीं, नहीं, डॉली रुको, चुप, 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 मैं लेकर आती हूँ, कोई रोको इसे प्लीज, नहीं, नहीं, मैं लेकर आती हूँ, गाइस, मैं लेकर आती हूँ। डॉली 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 रिहान डॉली रिहान सब 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 तेरे डॉली की आवाज आ रही है नहीं छोड़ मुझे डॉली की आवाज आ रही है डॉली चलो छोड़ मुझे नास्तिक रहा शैतान पे तो दूर कभी भगवान पे विश्वास नहीं किया
और अब जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में सिर्फ सुना और पढ़ा था यार। सब 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 सपने जैसे लग रहा है यार, सब सपने जैसे लग रहा है। अब यहाँ सब फंस गए यार, जरा उनके बारे में सोचो जिनकी जाने चली गई है, वो सब बेकसूर थे। तू सच कह रहा है, बस ये रात किस तरह से कट जाए यार। कल सुबह होती है हम यहाँ से निकलेंगे सबके सब, और डरो मत, हम सब सेफली निकलेंगे यहाँ से यार, सब सेफली निकलेंगे। नहीं नहीं, तुम शायद भूल रहे हो, पिछले 24 घंटे में 4 जाने जा चुकी हैं। बाहर किसी को भी पता चलता तो शायद तमाशा खड़ा हो सकता था। सुना नहीं बाहर के लोग क्या बोलते हैं इस बंगलों के बारे में। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आई एम लीविंग दिस प्लेस। वो लोग चूतिया नहीं है जो इस बंगले को खरीदना चाहते हैं। जरूर इस बंगले में कुछ है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बंगले में कुछ है। प्लीज मिलिंद, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो भी अभी। नहीं सोनिया, अभी नहीं। मैं नहीं रुक सकती। सोनिया, सोनिया, सोनिया सुनो, सोनिया स्टॉप या सोनिया, 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 अरे सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया। भागो भागो वापस चलो। Thank you.
डॉली, नितिन, डॉली, नितिन उठो, उठो, सोनिया नहीं है? सोनिया? हमें उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। ये क्या आवाज आ रही है? ये तो सोनिया की आवाज है। लेट्स गो, चलो। तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं शिव जी का जाप कर रही थी, केवल 100 बार और नाम लेना था, पर डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है भगवान भोलेनाथ पर। ये रुद्राक्ष हमारी रक्षा करेगा। सोनिया, नितिन, सुबह होगी और हमें हमें निकलना होगा। हम यहाँ नहीं रुक सकते। गाइज, हम इतनी आसानी से इस जगह से नहीं जा सकते, वो मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकती। कम ऑन, फॉलो मी, प्लीज कम ऑन। गाइज, इस रूम की सारी तस्वीरें पलट दो। और एक बात, ये प्रेत आत्माएं रूप बदल सकती हैं। वो हमें भटकाने की कोशिश कर सकती हैं। तुम में से किसी को भी ना ही किसी को डरना है, ना ही अकेले रहना है। हम सबको साथ में रहना है, प्लीज। सबसे पहले उन डेड बॉडीज को दफनाते हैं जो इस बंगलों में पड़े पड़े सड़ रही हैं। हाँ, सही कह रही हो। नितिन और हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते। यहाँ दूर दूर तक कोई छोटी सी दुकान भी नहीं है और पुलिस चौकी तो दूर की बात है। हम चूतिए हैं क्या? क्या कहेंगे पुलिस को? किसने मारा उनको? हमने? मेरे बोलने की कुछ खास वजह है, मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकती। जल्दी करो क्योंकि इस बंगलो पर तंत्र का असर थोड़ी ही देर तक रहेगा और उसके बाद ये रूहानी ताकत तांडव करने लगेगी। प्लीज कम ऑन फास्ट। अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी रहेगी तो वो उसे पजेस कर सकती है। हम एक काम करते हैं, इस बंगलो में जितनी भी डेड बॉडीज हैं, हम उन डेड बॉडीज को बंगलो से दूर कहीं दफना देते हैं। और वैसे भी हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को इस ट्रिप के बारे में कुछ नहीं पता कि हम लोग इस ट्रिप पे आए हैं। गुड आइडिया, हम उन डेड बॉडीज को दफना कर चुपचाप यहाँ से निकल चलेंगे। लिसन, इस बार कोई अकेला नहीं जाएगा, हम सब साथ जाएंगे, ओके? या वी शुड डू दैट, ओके?
दरवाजे में हम कभी गए नहीं। कुछ तो है इस कमरे में। लगता अंदर से लॉक है। Let's go from here. Let's go. नहीं, नहीं, नहीं मिलिंद, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर खतरा है, बाहर खतरा है। नहीं, सोनिया चलो यहाँ से। नहीं, नहीं, नहीं मिलिंद, नहीं। Sorry, Vimal is so cruel that I can't say in words. एक इंडियन से मैरिज करना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तुम्हारी जाने के बाद विमल ने शराबी फ्रेंड्स और लड़कियों के साथ अय्याशी नहीं छोड़ी। उसके दोस्तों के लिए मुझे रिसेप्शन का काम करना पड़ता है, शराब पिलाना, उनके लिए नाश्ता और बेड तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे दे रखी है विमल ने। Cheers. Cheers. यार रंजना उस अंग्रेज सिपाही सालार जॉन क्रिस्टोफर की इंडियन वाइफ जूली का क्या हाल चाल है? सुना है आजकल उनकी दूरियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक अंग्रेज से शादी करने का ये परिणाम तो होना ही था। चले
पी ले तू भी और भूल जा सारी चिंता फिकर। तू मेरी बेगम है, बेगम नवाब मंसूर मिर्जा की ब्याहता पत्नी। शादी की है तुझसे, दान में नहीं मांगा अंग्रेजों से। ये देख इतना बड़ा आलीशान बंगला तुझे तेरी माँ ने तोहफे में दिया है। अंग्रेजों ने सारा हिंदुस्तान लूट लिया, सब कुछ ले गए यहाँ से, हमारा राजपाट, हमारा महल सब छीन लिया। अरे तू तो खुश नसीब है, तेरी माँ को क्वीन विक्टोरिया ने खुद ये बंगलो तोहफे में दिया है और तू है कि सारा दिन रोती रहती है। अरे रोना धोना छोड़, मजे कर मजे। गेटिंग माई पॉइंट यू बेबी डॉल? लिसन मिस्टर मंसूर मिर्जा, यू आर अ मीन फेलो, यू आर अ ब्लैक स्पॉट इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस थिंग विथ यू एनी मोर। इवन इंडियन नवाब के नाम पे तुम एक ब्लैक स्पॉट हो। दूसरी लेडीज के साथ अय्याशी करते हो, वो भी मेरे सामने, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैरिज के बाद आज तक तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। खुशी चाहिए तुझे? अभी देता हूँ ढेर सारी खुशियाँ। Leave me, I said leave me, leave me। और देता हूँ तुझे ढेर सारी खुशियाँ। Leave me alone। बहुत सारी खुशियाँ। Stay away from me। और ले। और खुशियाँ ले। Please stay away from me। No। देता हूँ तेरे को ढेर सारी खुशियाँ। मारिया। यस। ड्रिंक सर्व कर। आज तो आपकी बेगम बहुत खूबसूरत लग रही है, एक मौका हमें भी दे दो सेवा करने का। ले लेना मौका, किसने रोका है? What? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बीवी को ऐसे बोलते हुए? तुम्हारी बीवी हूँ मैं, पति के नाम पे कलंक हो तुम। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। लोग कहते हैं मरने के बाद हमारी आत्मा ज्यादा फोर्सफुल हो जाती है, मैं उसी फोर्स को हासिल करने के लिए मरने जा रही हूँ। उसे मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो दोबारा ऐसा हेटफुल काम करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। योर पुअर डॉटर मारिया। एक बात तो साफ है, मारिया ने जीते जी जो दर्द सहे
मरने के बाद भी उसकी रूह उस दर्द को महसूस करती रही और अब उसकी आत्मा इस बंगलों में भटक रही है। और वो रूह एक सिद्धि रूह में बदल चुकी है जो वो हर इंसान को मारना चाहती है जो उसकी माँ की निशानी को नापाक करना चाहते हैं। मीन्स हमारे दोस्तों ने यहाँ पे दारू ऐशी की वही गलती की जो मारिया के हस्बैंड नवाब मिर्जा ने की थी। That's right. तभी हमारे साथ के सभी लोग मारे गए। अब तुम्हें भी मरना होगा। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इस मिशन में तुम भी हमारे गाइड हो। तूने This is the plan. No, Mr. Architect. This can't be a mistake. पंडित जी सोनिया मानो दे लो आप यहाँ? हाँ बेटा, ये भोले बाबा की कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच आया और इस बेटी की भक्ति है जो मुझे यहाँ खींच के ले आई। जाओ बेटा, अब ये शैतानी ताकत तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसने बहुत अनजान लोगों की जान ली है। और हाँ, लेकिन पलट के कभी यहाँ मत आना दोबारा। और इस शैतानी ताकत को तो मैं देखता हूँ। जाओ बेटा, चले जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। चलो बच्चों। प्रणाम बाबा। चलो जाओ जाओ। आज शैतानी ताकत तेरी वजह से इन मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है। तुमने ना जाने कितने मासूमों का कत्ल किया। अब तुझे मैं वहां छोड़ के आऊंगा, बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में। ए शैतानी ताकत, आज के बाद तू किसी मासूम का कत्ल नहीं करेगी। हर हर महादेव। जय जय भोले। बम बम भोले। Oh
मिला पहला ये नशा, आठों पहर तुझे ढूंढे नजर ये इश्क का सिलसिला। पहली नजर में इश्क हुआ पहला पहला ये नशा, आठों पहर तुझे ढूंढे नजर ये इश्क का सिलसिला। हजार है कैसा खुमार है